नमस्कार दोस्तों, मैं सुधाकर चौरसिया आपको अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अपने पढ़ाई और अपने सेहत का बिल्कुल ध्यान रख रहे होंगे। तो गाइज, ये आज की जो रिलेटेड न्यूज़ आई है नीट और जेईई मेंस के बारे में है। तो परीक्षा तय समय पर हो, सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका। कुछ दिन पहले 11 छात्रों ने दायर की थी परीक्षा टालने की याचिका। जेईई परीक्षा जो होगी 1 सितंबर से 6 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। वहीं नीट की परीक्षा जो है 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी। तो इससे रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं। मेरा चैनल एग्जाम स्टोर, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना। आपका एक सब्सक्राइबर मुझको वीडियो बनाने के लिए मजबूर कर देता है। तो गाइज, प्लीज़ आप एक अपना योगदान छोटा सा देकर मुझे वीडियो बनाने के लिए कृपया प्रेरित करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। ये देखिए जो खबर आई हुई है आज 10 अगस्त 2020 को 1:38 पे आई हुई है, जो मैं आपको 3:17 पे सुना रहा हूँ। तो बिल्कुल लेटेस्ट और अपडेट है। स्टूडेंट के अभिभावकों की एक एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर यह मांग की है कि शीर्ष अदालत ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTU को इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा JEE Main 2020 और मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET 2020 सितंबर में तय शेड्यूल पर कराने का निर्देश दें। जेई परीक्षा 1 सितंबर से 6 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। वहीं नीट परीक्षा जो होगी आपकी 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी। तो स्टूडेंट, कृपया आप अपने तैयारी को और मजबूत करें, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम किसी भी समय हो सकता है। अब ये टलने वाला नहीं है, क्योंकि इसका डेट फाइनल हो चुका है। 1 सितंबर से 6 सितंबर तक जेई की परीक्षा होगी और 13 सितंबर को नीट का एग्ज़ाम होगा। गुजरात पेरेंट्स एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि परीक्षा स्थगित होने पर स्टूडेंट को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ने से न सिर्फ उन्हें एक अकादमिक वर्ष का नुकसान हो रहा है, बल्कि आगे जाकर प्रोफेशनल करियर में भी उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। याचिका में कहा गया है कि इन्हीं प्रवेश परीक्षाओं से विद्यार्थियों के करियर की दिशा तय होती है, इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है अगर अब फिर से परीक्षा स्थगित होती है। इससे विद्यार्थी में तनाव बढ़ेगा, साथ ही उनके करियर में अनिश्चितता आएगी। इससे उनके अकादमिक प्रदर्शन पर भी बुरा असर पड़ेगा। COVID-19 के दौरान जेई मेंस और नीट UG स्थगित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका किए गए थे। कुछ दिन पहले 11 छात्रों ने दायर की थी परीक्षा टालने की याचिका। कुछ दिन पहले 11 राज्यों के 11 छात्रों ने देश में तेजी से बढ़ रहे COVID-19 महामारी के मामलों की संख्या के मद्देनज़र जेई मेन और नीट UG परीक्षाएं स्थगित करने के अनुरोध के साथ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कोरोना वायरस महामारी का जिक्र करते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTU की 3 जुलाई की नोटिस रद्द करने का अनुरोध किया गया। इन नोटिस के माध्यम से NTU ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेई मुख्य अप्रैल 2020 और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG सितंबर में कराने का निर्णय लिया है। याचिका में प्राधिकारियों का सामान्य स्थिति बहाल होने के बाद इन परीक्षाओं को आयोजित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। तो गाइस, बिल्कुल भी अब लेट नहीं होने वाला है आपके एग्ज़ाम में। ये बिल्कुल कंडक्ट करा के ही रहेगा, यानी 1 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक जेई का एग्ज़ाम होने वाला है, 13 सितंबर को आपका नीट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोग अपने प्रिपरेशन पर प्लीज़ ध्यान दें। तो गाइस, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इतनी जानकारी दे पाया हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार। छोटी सी लाइफ है, इंजॉय करो यार। हस्ता ला विस्ता।